नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस पर एसएससी में। आज के इस वीडियो में मैं छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ एग्ज़ाम के लिए, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का। ठीक है, गीता मित्तल जो है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बन गई है, तो ये प्रथम होने के कारण इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। गीता मित्तल बनी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस। ठीक है, देखिए ये फोटो में है गीता मित्तल। न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने शनिवार को यानी 12 तारीख को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेने से पहले अदालत के रजिस्ट्रार जनरल ने मित्तल की नियुक्ति के संबंध में वारंट को पढ़ा। उसके बाद उन्हें यहाँ राजभवन में एक समारोह में राज्यपाल एन बोहरा, याद रखिए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है, एन बोहरा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य के उच्च न्यायालय की अध्यक्षता करने वाली वह पहली महिला न्यायाधीश बन गई है। न्यायमूर्ति गीता मित्तल अब तक दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थी दिल्ली उच्च न्यायालय की। अभी वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बन गई है। जस्टिस गीता मित्तल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बन गई है, तो इसलिए ये न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मित्तल जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व मुख्यमंत्री फारूक व उमर अब्दुल्ला, राज्यपाल के सलाहकार मौजूदा और पूर्व न्यायाधीश, मुख्य सचिव वी आर सुब्रमण्यम, पुलिस महानिदेशक SP वैद्यनाथन उपस्थित थे। ठीक है, और इन्होंने किनका स्थान लिया है, देखिए 5 मार्च 2018 से जस्टिस बदर दुरेज अहमद की सेवानिवृत्त होने के बाद से ये पद खाली था। ठीक है, और उन्हीं का स्थान लिया है गीता मित्तल ने, जस्टिस बदर दुरेज अहमद का। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।